नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा की शुरुआत कुछ ही दिनों पहले हुई थी, लेकिन कब समय गुजरा किसी को पता भी नहीं चला। इसी बीच अब दशहरा के दिन रावण दहन कहां होगा कहां नहीं, इसको लेकर कई सवाल किए जा रहे थे। जैसा कि प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से दशहरा के मौके पर रावण दहन की अनुमति गांधी मैदान में नहीं दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। कोरोना काल से पहले हम सबको पता है कि कैसे बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, जिसको देखने के लिए कई लोगों की भीड़ जमा होती थी। आलम कुछ यूं होता था कि बिहार के अलग अलग जिले से लोग रावण दहन देखने आया करते थे, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लोगों का हुजूम देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस साल दशहरा की स्थिति पिछले साल के मुकाबले कुछ ठीक है, क्योंकि इस बार संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ऐसे में प्रशासन ने भले ही रावण दहन की अनुमति गांधी मैदान में नहीं दी हो, लेकिन इस बार कालिदास रंगालय में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि दशहरा कमेटी की तरफ से होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित कर दिया गया है, जिसके तहत कमेटी जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कोविड नियमों का पालन करते हुए रावण वध कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही गई है। दशहरा कमेटी के आयोजक कमल नेपानी के मुताबिक आयोजन गांधी मैदान नहीं बल्कि कालिदास रंगालय में किया जाएगा। हालांकि गौर करने की बात यह है कि चूंकि इस बार कार्यक्रम का आयोजन छोटे स्थल पर हो रहा है, ऐसे में स्थल के छोटे होने के कारण शहर के लोग सीधे तो रावण वध को नहीं देख सकेंगे, लेकिन कमेटी की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए रावण वध का कार्यक्रम दिखाने का प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही कालिदास रंगालय में रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 150 पास भी बांटे जाएंगे। ये तो हो गई पास वितरण की बात। अब अगर हम बात करें कालिदास रंगालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में, तो दशहरा कमेटी की तरफ से रावण वध आयोजन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार करवाया जा रहा है। आयोजन स्थल के आकार को देखते हुए इस बार इन पुतलों का आकार छोटा हो गया है। 90 फीट तक ऊंचा रहने वाले रावण का पुतला इस बार 15 फीट का ही होगा। कुंभकर्ण के पुतले का आकार 13 फीट होगा, जबकि मेघनाथ के पुतले का आकार 12 फीट ही होगा। सबसे खास बात है कि इस बार इन तीनों पुतलों के अलावा रावण वध में एक और पुतला जलाया जाएगा, और वो होगा 10 फीट का कोरोना का पुतला, जो कि विजयादशमी के दिन होगा। हालांकि इस बार दर्शकों की संख्या तो सीमित की गई है, साथ ही इस बार किसी खास सदस्य को भी इस मौके पर नहीं बुलाया गया है। इस बार सिर्फ दशहरा कमेटी के लोग और कलाकार ही रावण वध के समय आयोजन स्थल पर होंगे, जिसके तहत ही अगर आप भी दशहरा के मौके पर रावण दहन देखना चाहते हैं, तो आप इसे सोशल मीडिया पर आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।